जगदलपुर कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने और नियंत्रण करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पहले चरण में शहर के 3 वार्ड शांति नगर वार्ड इंदिरा नगर वार्ड संजय बाजार से स्लंगन क्षेत्र और शिव मंदिर वार्ड का चिन्हांकन और कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। उक्त कंटेनमेंट जोन के 3 वार्ड में निवासरत सभी नागरिकों का कोरोना जांच स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। सोमवार को संचय बाजार और शांति नगर वार्ड क्रमांक 25 में सैंपलिंग का कार्य शुरू हुआ। प्रशासन द्वारा 3 वार्डों में कोरोना संक्रमितों की जाँच और उनके रिपोर्ट नहीं आने तक कंटेनमेंट जोन बनाकर रखा जाएगा। कंटेनमेंट जोन क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीम बनाई गई है। जगदलपुर शहर में लगभग 2000 से ज़्यादा केस आ चुके हैं, उसमें 40-45 की मृत्यु भी हो चुकी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो केस जो आया था अभी तक का, उसको हमने वार्ड वाइज और गली वाइज उसको चिन्हित करने पर, जो कुछ हमारे जो वार्ड हैं और उसकी कुछ गलियाँ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केस, जैसे कि एक ही गली या वार्ड में 40-50 केस आ गए हैं, तो उनको हमने हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हांकन किया। और इसको कलेक्टर सर के द्वारा 3 वार्ड हैं, शिव मंदिर वार्ड, इंदिरा वार्ड और जो शांति नगर वार्ड में कुछ क्षेत्र को हमने कंटेनमेंट जोन आज से 5 बजे से उसका आदेश हुआ है। तो इन जितने जोन है उसमें आज 5 बजे के बाद से अभी आगे जांच होने तक के लिए पूरा कंटेन हो जाएगा। लोगों की आवाजाही को रोक कर पूरा सभी की जांच करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर स्वास्थ्य की टीम जो लाए हैं वो तो प्रत्येक घर से जितने भी लोग हैं उनकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, और जिनका पॉजिटिव आते जाएगा उनको हम इलाज वगैरह की व्यवस्था या होम आइसोलेशन या जैसे कि ज़रूरत पड़ेगी तो अस्पताल में ले जाकर कराएंगे, जिससे कि अगले लगभग 7-10 दिन में पूरे लोगों की टेस्टिंग और कंटेनमेंट होने से यहाँ से बीमारी आगे नहीं फैलेगी। और ये जो प्रक्रिया है आज जैसे चालू हुई है, अगले 7 दिन तक पूरे वार्ड को हम लोग कवर करते हुए इसको पूरा कर लेंगे, जिससे कि इन क्षेत्रों में जो ज़्यादा केस आया है वो यही कंट्रोल हो जाने से शहर के बाकी क्षेत्र में जो पॉजिटिव जो आ रहा है उसमें कमी आएगी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।